हाँ बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? उत्सर्जन तंत्र। और पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा, एक तो हमने पढ़ लिया था मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमने पढ़ा था वृक्कों की संरचना, बात समझ ना, हमने उसमें वृक्कों की संरचना पढ़ ली थी, ठीक है। और वृक्कों की संरचना के साथ साथ हमने पढ़ लिया था एक नेफ्रॉन की संरचना। क्या पढ़े थे बेटा? नेफ्रॉन की संरचना की, एक नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने मेलपिजन काय पढ़ा। मेलपिजन काय में क्या पढ़ा था? मेलपिजन काय में बोमेन संपुट के साथ हमने ग्लोमेरुलस, निकटस्थ संवलित नलिका हेनले का लूप, दूरस्थ संवलित नलिका संग्राहक नलिका। बेटा अब एक चीज़ मैंने इस वहाँ उस समय भी बताई थी कि संग्राहक नलिका बेटा नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखने की होती है कि क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेटा काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स की जो डीसीटी होती है, दूरस्थ संवलित नलिका जो होती है, वो बेटा उस संग्राहक नलिका में खुलती है। इसलिए संग्राहक नलिका किसी एक विशेष नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आज के वीडियो में बेटा हम देखेंगे कि जो क्रियाविधि, किसकी क्रियाविधि? उत्सर्जन की क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे बेटा? उत्सर्जन की क्रियाविधि। और उत्सर्जन की क्रियाविधि हमने पहले संरचना पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मूत्र का निर्माण होता है और किस तरह से उसका उत्सर्जन किया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये जो क्रियाविधि होती है, उत्सर्जन की जो क्रियाविधि होती है बेटा, इसको दो पदों में पूरा किया जाता है। उत्सर्जन की क्रियाविधि को दो पदों में पूरा किया जाता है। एक पद बेटा कौन सा? यूरिया का निर्माण, और दूसरा होता है मूत्र का निर्माण। और ये जो दोनों क्रियाएं होती हैं, ये जो दोनों पद होते हैं बेटा, अलग अलग स्थानों पर होते हैं। अगर हम बात करें कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण होता है बेटा यकृत में, और मूत्र का निर्माण होता है वृक्कों में, मतलब किडनी में। बात समझ आ गई ना? तो दोनों जो हैं, दोनों जो पद होते हैं किसके? उत्सर्जन की क्रियाविधि के बेटा दो पद होते हैं। एक पद जो होता है उसमें यूरिया का निर्माण किया जाता है, और दूसरे पद में जो होता है वो मूत्र का निर्माण किया जाता है। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला पद है, पहला पद कौन सा बेटा? यूरिया का निर्माण। अब ये बेटा यूरिया का निर्माण क्या, कहाँ, कैसे? जैसे अगर अपन बात करते हैं कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं बेटा? अमोनिया का। किसका निर्माण करती हैं? अमोनिया का। और सर्वाधिक अमोनिया कहाँ निर्मित होता है? यकृत की कोशिकाओं में। कहाँ पे होता है? यकृत की कोशिकाओं में। तो बेटा ये जितनी भी शरीर की कोशिकाओं में जितनी भी अमोनिया का निर्माण होता है, इस अमोनिया को भेजा जाता है कहाँ पर? यकृत में। कहाँ भेजा जाएगा बेटा? यकृत में भेजा जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि यकृत में एक चक्र चलता है जिसे अपन ऑर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं, ऑर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र के नाम से जानते हैं। ये जो अमोनिया है ये प्रवेश करेगी कहाँ पर? ऑर्निथिन चक्र में। और ये जो अमोनिया है बेटा, ये सीधे ऑर्निथिन चक्र में प्रवेश नहीं करती है। ये अमोनिया जो होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के एक यौगिक बनाती है जो होता है कार्बेमोइल फॉस्फेट। अब देखते हैं बेटा किस तरह से, जो देखो जितनी भी अमोनिया होती है, ये अमोनिया बेटा ये जो है वो किस में बदल जाती है? कार्बेमोइल फॉस्फेट के अंदर। हम पढ़ रहे हैं यूरिया चक्र के बारे में। तो सबसे पहले तो जो अमोनिया होती है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है? यकृत में। यकृत में जाने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फ्यूज होकर के क्या बना लेती है? कार्बेमोइल फॉस्फेट। कार्बेमोइल फॉस्फेट। अब ये जो कार्बेमोइल फॉस्फेट है, ये प्रवेश करता है कहाँ पर? ऑर्निथिन चक्र में। अब बेटा इसको ऑर्निथिन चक्र क्यों कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए ना कि इसको हम ऑर्निथिन चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑर्निथिन से। कहाँ से होता है? ऑर्निथिन से। और इस लास्ट उत्पाद में क्या मिलता है? वही ऑर्निथिन मिलेगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे जो है कौन? ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया अपने को मिली है, ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गई? ये अमोनिया जो होती है बेटा कार्बेमोइल फॉस्फेट के अंदर परिवर्तित हो जाती है। कैसे परिवर्तित हो गई? कार्बेमोइल फॉस्फेट में। अब ये जो कार्बेमोइल फॉस्फेट है, ये ऑर्निथिन के साथ अभिक्रिया करके, ऑर्निथिन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? सिट्रोलिन।
क्या बना लेता है? सिट्रोलिन। और ये जो सिट्रोलिन है, इस सिट्रोलिन में बेटा एस्पार्टिक अम्ल कौन जुड़ता है? एस्पार्टिक अम्ल इसमें जुड़ेगा और क्या बना लेगा? ऑर्जिनो सक्सिनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। बात समझ आई ना? कि ये जो देखो यहां से शुरुआत में ऑर्निथिन कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ जुड़ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? सिट्रोलिन। ये सिट्रोलिन एस्पार्टिक अम्ल के साथ जुड़ करके आर्जिनो सक्सिनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया बेटा किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है? ये क्रिया आर्जिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सॉरी सिंथेटेज। किसमें बेटा? कि आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज डिहाइड्रोजिनेज नहीं बेटा, कौन सा? सिंथेटेज। आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? आर्जिनो सक्सिनिक अम्ल। अब ये जो आर्जिनो सक्सिनिक अम्ल है, ये जो आर्जिनो सक्सिनिक अम्ल है, ये बेटा आर्जिनो सक्सिनेट लाइएज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है? आर्जिनिन में। किसे बदल गया? आर्जिनिन में। और ये जो आर्जिनिन है, ये जो आर्जिनिन है बेटा, ये आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाती है, स्प्लिट हो गई, टूट गई। किस किस में टूटी? इसमें एक तो निर्माण हो गया किसका? ऑर्निथिन का। और दूसरा बन गई यूरिया। क्या में किसका निर्माण हो गया बेटा? यूरिया का। ध्यान दीजिए कि यहाँ जो आर्जिनिन है, ये आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में टूट जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है, किसमें? यूरिया और ऑर्निथिन में। यूरिया हमें बाहर निकल जाती है और ऑर्निथिन वापस से नए कार्बामाइल फॉस्फेट से क्रिया करके इस यूरिया चक्र को या इस ऑर्निथिन चक्र को प्रारंभ करता है। यहाँ तक आ गया बेटा समझ में? तो ये क्या होती है बेटा? ये होती है क्या? अपनी ऑर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र, जिसके द्वारा हमें हमारे शरीर में यकृत में, हमारे शरीर के अंदर जो यकृत उपस्थित होता है, उस यकृत में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? चलो अब आगे देखते हैं इसको। अगर हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पे हमें कौन मिल गई बेटा, यहाँ पे अपने को यूरिया की प्राप्ति हो गई। अब ये जो यूरिया है, इस यूरिया को कहाँ पे भेजा जाएगा? इस यूरिया को बेटा भेजा जाएगा वृक्कों में। इस यूरिया को अब भेजा जाता है कहां पर? वृक्कों में भेजा जाएगा। किसके लिए? उत्सर्जन के दूसरे पद के पूर्ण होने के लिए। और दूसरा पद क्या होता है बेटा? मूत्र का निर्माण। किसका निर्माण होगा? अब मूत्र का निर्माण किया जाएगा। तो यहां देखिए बेटा कि यहां से जो यूरिया है, यकृत से जो यूरिया है, ये रक्त के द्वारा कहां पर परिवहित कर दिया जाता है? इसको भेज दिया जाता है वृक्कों में। ठीक है, अब वृक्कों में बेटा किसका निर्माण होगा? मूत्र का निर्माण। वृक्कों में निर्माण होगा मूत्र का। अब ये जो मूत्र का निर्माण होता है, ये मूत्र का निर्माण भी कितने तीन पदों में पूर्ण होता है? मूत्र का निर्माण भी कितने पदों में पूर्ण होगा? तीन पदों में पूर्ण होगा। और वो तीन पद कौन कौन से होते हैं? पहला परानिस्संदन, दूसरा चयनात्मक पुनरावशोषण और तीसरा श्रावण। मतलब तीन पदों में पूर्ण हुआ। पहला कौन? परानिस्संदन। पहला कौन सा हो गया? परानिस्संदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है बेटा चयनात्मक पुनर्वशोषण। नाम पे ध्यान देना, चयनात्मक चयन करके, समझ में आया ना? चयनात्मक पुनर्वशोषण। और तीसरा होता है श्रावण। तीसरा होता है श्रावण। ये तीन पद होते हैं जो कि किसमें काम में लिए जाते हैं? मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं। अब हम बेटा यहाँ पर एक एक करके सभी पदों को देखेंगे कि कौन से पद में कौन सी क्रियाविधि संपन्न होती है। तो उससे पहले हम एक बार देखें तो सही कि क्या चीज़ होती है। अगर हम बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्संदन, निस्संदन मतलब छन्ना। निस्संदन का क्या मतलब हो गया बेटा? निस्संदन का मतलब होता है छन्ना, मतलब किसी चीज़ को छन्ना, ठीक है ना। और चयनात्मक पुनर्वशोषण मतलब जो चीज, जो पदार्थ आ गए हैं उनको वापस से चयन कर करके क्या करना? अवशोषित करना। अब इसमें क्या होता है बेटा कि चयनात्मक पुनर्वशोषण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लाभदायक पदार्थों को जो कि गलती से छन करके और कहां पर वृक्क नलिकाओं या रीनल नलिकाओं में आ गए हैं, उन लाभदायक पदार्थों को उन रीनल नलिकाओं से अवशोषित करके और कहां पर डालना है बेटा? अवशोषित करके उसको डाला जाता है रक्त में या रक्त वाहिनियों में। बात में ना, चयनात्मक नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि बेटा चयन करना है किसका? केवल लाभदायक पदार्थ को ही वहां से निकाल करके और
डालना है, वहाँ से कहाँ से, रीनल नलिकाओं से, जिसमें पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, संग्राहक नलिका, ये जो है इन रीनल नलिकाओं में से किसको निकाला जा रहा है, उसको जो लाभदायक पदार्थ जो गलती से छन करके नीचे आ गए हैं उनको निकाल करके वापस से कहाँ पर डालना है, रक्त में। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। ठीक है बेटा, जिसका हम डिटेल स्टडी आगे करेंगे। ठीक है, अब तीसरी प्रक्रिया जो होती है बेटा वो श्रावण, श्रावण, श्रावण वो प्रक्रिया होती है बेटा। कई बार क्या होता है कि कुछ पदार्थ जो हानिकारक होते हैं और जिनको छनना चाहिए लेकिन वो छनते नहीं है, वो आगे देखेंगे। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जो छन नहीं पाते हैं, और वो कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो अगर वो कहाँ पर, वो छनते नहीं है, कहाँ रह जाते हैं, रक्त में। कहाँ रह जाएंगे, रक्त में। तो अगर वो रक्त में रह गए, अगर वो रक्त में रह गए तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं या हानिकारक होते हैं, तो उनको वापस से निकालना है। उनको रक्त में से हटा करके कहाँ पर डालना है, रीनल नलिकाओं में से। कहाँ डालना है, रीनल नलिकाओं में। तो अगर हम बात करें कि श्रावण क्या प्रक्रिया होती है, श्रावण बेटा कि हानिकारक पदार्थों का रक्त वाहिनियाँ रक्त केशिकाओं से निकाल कर उन्हें रीनल नलिकाओं में डालना क्या कहलाता है, श्रावण की प्रक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये तीन पद होते हैं जिनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला पद कौन सा बेटा लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं परानिस्यंदन, जिसको अपन कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा परानिस्यंदन, निस्यंदन तो समझ में आता है, परा क्या, परानिस्यंदन मतलब अगर हम किसी चीज को हमने छान लिया तो उसका छनित हमें प्राप्त हो गया, उस छनित को फिर से छान लिया, परानिस्यंदन। बात समझ में आई ना, कि छनित को फिर से हम क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं, मतलब फिल्ट्रेट को जो छनित हो गया उसको फिर से हम छानते हैं। वो प्रक्रिया क्या होती है बेटा, परानिस्यंदन। अब सबसे पहले बेटा हम अध्ययन करेंगे किसका, परानिस्यंदन का। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं अपन कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है बेटा, सबसे पहले ध्यान देने की बात ये होती है कि अगर हम बात करें कि जो छनने की प्रक्रिया होगी या निस्यंदन की प्रक्रिया होती है वो किस पे आधारित होती है, वो बेटा दाब के ऊपर आधारित होती है। छनने की प्रक्रिया कब होगी, जब कोई दाब लगेगा, जब दाब लगेगा तो छनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर बेटा कि जो परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ दाब काम करते हैं, यहाँ भी कोई ना कोई दाब होगा जो जरूर काम करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से दाब हैं जो कि परानिस्यंदन की प्रक्रिया को संपन्न करने में सहायक होते हैं। बात समझ आ गई, तो देखते हैं बेटा अब ये दाब कौन कौन से होते हैं बेटा। एक मैंने पहले बताया था कि कुछ प्रक्रियाएँ ऐसी होती हैं, कुछ शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है जो दूसरों से अलग होती है। दूसरों से कैसे होती है, अलग होती है, और उस अलग होने का कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि शरीर में ऐसे ही नलिकाएं छोटी बड़ी नहीं होती हैं, उनका कोई ना कोई कारण होता है। तो बेटा वहाँ पे ये चीज़ें काम में आ रही हैं। देखते हैं अगर अपन बात करते किसकी, सबसे पहले बात करेंगे कि पहला दाब, पहले दाब की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा पहला दाब होता है ग्लोमेरुलस, जानते हो केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब या केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब GHP, इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा GHP। तो पहला दाब क्या हो गया बेटा GHP, केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है, अब ये दाब कैसे होता है बेटा, क्यों होता है। हमने मेल्पिजियन काय की संरचना का अध्ययन किया था, जिसमें हमने एक तो क्या देखा था, बोमेन का संपुट और एक ग्लोमेरुलस। ठीक है बेटा, उसमें हमने देखा था यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम में देखने हैं, ये हमारा मेल्पिजियन काय है। ठीक है, इस मेल्पिजियन काय की अगर अपन बात करते हैं तो हमें पता है कि ग्लोमेरुलस का निर्माण कैसे होता है, केशिका गुच्छ का निर्माण कैसे होता है, कि अभिवाही धमनिका बोमेन संपुट में प्रवेश करके एक कुंडलित संरचना का निर्माण करती है और अपवाही धमनिका के रूप में बाहर निकल जाती है।
ये हमने पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था बेटा, ये भी देखा था कि अपवाही धमनिका का व्यास अभिवाही धमनिका से कम होता है। अपवाही धमनिका का व्यास अभिवाही धमनिका से कम होता है, इसका मतलब वो सक्रिय होती है, समझ में आया ना। और ये जो दाब होता है बेटा, कौन सा केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब जो होता है या GHP जो होता है, ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है? ये इस अपवाही धमनिका के संक्रियपन के कारण। बात समझ में ना कि यहाँ पर ये जो अपवाही धमनिका सक्रिय है, ये क्या करेगी बेटा, जैसे ही यहाँ पे रक्त आएगा तो इधर से विपरीत दिशा में दाब लगाएगी, और वो दाब कौन सा होगा बेटा, GHP या केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। बात समझ में आ गई ना बेटा, कौन से किसकी बात कर रहे हैं अपन, केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब की अगर अपन बात करते हैं, तो केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब या GHP ऐसा दाब है जो ग्लोमेरुलस की या केशिका गुच्छ की अपवाही धमनिका के सक्रियपन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है बेटा, सक्रियपन के कारण उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है, अपवाही का कम होता है। तो जब एक का व्यास ज्यादा दूसरी का कम, रक्त आगे की ओर जा रहा है, तो जो संकरी धमनिका है, जो अपवाही धमनिका है, वो विपरीत क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, जिसकी और उस दाब को अपन क्या कहते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस द्रव स्थैतिक दाब या केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है बेटा। और इसकी अगर अपन बात करते हैं कि ये जो GHP के जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, कितना दाब लगेगा बेटा, ये लगेगा बेटा 60 से 70 mmHg। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, ये हो गई GHP की। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला दाब जो किसमें सहायता कर रहा है बेटा, ये दाब से सहायता कर रहा है परानिस्यंदन में, तो कौन सा, GHP या केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला वाला दाब। अगर अब बात करते हैं किसी दूसरे दाब की, अब बात करें किसकी, जो दूसरा दाब यहाँ पे काम कर रहा है, और वो दूसरा दाब कौन सा होगा बेटा, दूसरे नंबर का जो दाब होगा वो होगा रक्त कोलॉइडी परासरणी दाब। दूसरा दाब होगा बेटा कौन सा, रक्त कोलॉइडी परासरणी दाब, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं BCOP। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, BCOP। इसको लिखेंगे GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब। इसको कहेंगे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त कोलॉइडी परासरणी दाब, रक्त कोलॉइडी परासरणी दाब। और ये जो दाब होता है, ये बेटा ये हमें पता है, ये जो अगर हम बात करें कि रक्त की अगर अपन बात करते हैं, तो रक्त में प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन्स। और कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। बात समझ में ना कि रक्त में जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो अगर अपन बात करते हैं कि किस किस काम में आती हैं, तो फाइब्रिनोजन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फाइब्रिनोजन जो होती है वो आती है रक्त के स्कंदन में सहायता करना। फाइब्रिनोजन का काम होता है रक्त स्कंदन में सहायक होना। और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये बेटा प्रतिरक्षा का कार्य करती है, मतलब इसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, मतलब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, हमें रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। कौन से बेटा, सेकंड नंबर की। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की, फर्स्ट कौन बेटा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि जिसका काम क्या होता है, जिसका कार्य होता है बेटा कि जो रक्त में परासरण दाब को बनाए रखना, रक्त में परासरण दाब को बनाए रखना। तो ये जो रक्त में परासरण दाब बना हुआ है, ये किसकी वजह से है, ये बेटा ये है एल्ब्यूमिन की वजह से। किसकी वजह से है, एल्ब्यूमिन की वजह से है। और इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से जो परासरणी दाब उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं रक्त कोलॉइडी परासरणी दाब। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर और ये जो इसके जो मान होता है, किसकी बात कर रहे हैं, रक्त कोलॉइडी परासरणी दाब का जो मान होता है, ये बेटा होता है लगभग 32
एम एम एच जी, कितना होता है लगभग 32 एम एम एच जी इसका दाब होता है। और ये जो दाब होता है बेटा, ये किसके, ये लगता है बेटा जो जीएचपी मतलब जो ग्लोमेरुलस द्रव स्थितिक दाब है उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये जो रक्त कोलोइड परासरणी दाब है ये ग्लोमेरुलस द्रव स्थितिक दाब के विपरीत काम करेगा। मतलब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जीएचपी ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आप बीसीओपी जो है ये बीसीओपी ये इसके विपरीत जा रहा है। कैसे जा रहा है बेटा, विपरीत, कि जीएचपी ऊपर से नीचे लग रहा है और बीकॉप लग रहा है नीचे से ऊपर। इसका मतलब कि ये जो बीकॉप जो होता है वो जीएचपी के अपोजिट कार्य करता है। बात समझ में आई ना। अब ये बेटा ये कौन सा दाब हो गया, ये दूसरे नंबर का दाब हो गया, ये हो गया दूसरा। पहला कौन सा, जीएचपी, दूसरा कौन सा है, बीकॉप, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जीएचपी की वैल्यू 60 से 70 mmHg होती है और बीकॉप की वैल्यू कितनी बेटा 32 mmHg होती है। यहाँ तक हो गया। अब तीसरे नंबर का दाब, तीसरा दाब और है जो यहाँ पे काम करता है, वो होता है बेटा संपुटीय, संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब। दाब इसको अपन कहते हैं CHP, इसकी शॉर्ट में अपन क्या कहेंगे CHP। बात समझ में आएगी ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये जो CHP होता है संपुटीय, संपुट कौन सा बेटा, संपुट कहाँ है, बोमेन संपुट, कौन सा है, बोमेन संपुट। तो ऐसा देखो संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब मतलब कि ये दाब कौन सा होता है बेटा, जो बोमेन संपुट होता है, हमें पता है बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट में जो छन्नित भर गया है, पास में ना, कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस से छन्नित छन करके कहाँ पे आ गया, इसकी अवकाशिका में, वोमेन संपुट की अवकाशिका में। और वोमेन संपुट की अवकाशिका में जो द्रव आ गया है, जो छनित आ गया है, वो नए आने वाले छनित को विरोध करेगा, मतलब उसको विपरीत दिशा में दाब लगाएगा। तो ये जो CHP है, CHP ये भी विपरीत दिशा में दाब लगा रहा है। बात समझे ना बेटा, ठीक है। और ये किसके विपरीत लगा रही है, ये भी बेटा GHP जो ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब है उसी के विपरीत दाब लगा रही है। बात समझे ना, इसका मतलब GHP के दो विरोधी हो गए, एक तो BCOP और एक CHP। पास में आएगा ना, देखो। और ये जो CHP या संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब है इसका जो मान होता है, इसका मान होता है बेटा लगभग 18 mmHg। पास में आ गई, ठीक है। तो ये जो तीन दाब होते हैं बेटा, ये तीन दाब रेस्पॉन्सिबल होते हैं या जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, परानिश्चंदन की क्रिया के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे GHP की अगर अपन बात करते हैं तो GHP कहाँ से लगता है, GHP लगेगा बेटा किसकी वजह से, अपवाही धमनिका के संकरेपन के कारण, क्योंकि अपवाही धमनिका का व्यास अभिवाही धमनिका से कैसा होता है, कम होता है, उससे कैसा होता है, कम होता है। और कम होने का मतलब क्या है, कम हो गया, कम है इसका मतलब कि ये दाब लगाएगा, एक का व्यास ज़्यादा है दूसरी का कम है, तो जो कम है वो विपरीत दिशा में दाब लगाएगी। वो दाब कौन सा होता है बेटा, वो दाब होता है GHP मतलब ग्लोमेरुलर या केशिका गुच्छ द्रव स्थैतिक दाब। और इसका जो मान होता है वो होता है 60 से 70 mmHg। दूसरा दाब बेटा एल्बुमिन प्रोटीन की वजह से होता है जो रक्त में उपस्थित होती है, जो जिसको अपन प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और एल्बुमिन प्रोटीन का प्रोटीन जो होती है उसके वो उसका काम होता है परासरणी दाब का नियमन करना है, परासरण दाब, रक्त के परासरण दाब को बनाए रखना। और उस दाब को हम कहते हैं रक्त कोलोइडी परासरणी दाब या बीकॉप। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, इसका जो मान होता है वो होता है 32 mmHg। तो दूसरा दाब हो गया जो कि किसके विरुद्ध काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बेटा GHP के विरुद्ध काम कर रहा है। और तीसरा जो दाब होता है बेटा वो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब, ठीक है। और ये जो संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब होता है बेटा, ये जो होता है ये बोमेन संपुट में जो छनित छन करके आ जाता है, वो नए आने वाले
नए आने वाले क्षणित्व का विरोध करता है, इसके विपरीत दाब लगाता है। तो बेटा ये तीन दाब काम कर रहे हैं, जिसमें से दो दाब कौन से, BCOP और CHP, ये दोनों बेटा ये GHP का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जो BCOP और CHP है, ये दोनों मिलकर के भी उस GHP को नहीं रोक पा रहे हैं। मतलब कि इन दोनों की वैल्यू जो होती है, इन दोनों का जो मान होता है वो GHP से कम है। ऐड करने के बाद में भी दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी उनका मान इससे क्या है, कम है। ठीक है, अब वह दाब जिसकी वजह से छनन की प्रक्रिया होती है या निश्चंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको अपन कहते हैं बेटा प्रभावी निश्चंदन दाब या EFP। ये क्या होता है बेटा, EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रभावी निश्चंदन दाब। बात समझ में आ गई, क्या हो गया बेटा, ये प्रभावी निश्चंदन दाब। ठीक है, अब ये जो प्रभावी निश्चंदन दाब होता है बेटा, इसका मतलब ये वो दाब है जिसके कारण निश्चंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसको हम कैसे गणना कर सकते हैं, इस दाब का मालूम हम कैसे कर सकते हैं, इसकी गणना किस प्रकार से की जा सकती है कि ये दाब कितना होता है। ठीक है, और इसकी गणना करेंगे बेटा इन तीनों दाबों की सहायता से। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। देखो बेटा, किसकी बात करी हमने, GHP जो दाब होता है, जो किसका, ग्लोमेरुलस द्रवस्थैतिक दाब जो होता है। ठीक है, वो इसको इसमें विपरीत दिशा में दाब कौन से लगते हैं बेटा, एक तो लग रहा है BCOP और दूसरा लग रहा है CHP। ये देखो यहाँ से बेटा EFP की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी कि GHP - BCOP + CHP। मतलब ये दोनों जो दाब होते हैं, कौन से, BCOP और CHP जो होते हैं बेटा, ये दोनों इसका विरोध करते हैं, इसके विरोध में होते हैं। तो अब इसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी, देखो GHP का मान कितना बेटा, 60 to 70 mmHg। ठीक है बेटा, अब ये BCOP की वैल्यू कितनी, 32 mmHg और CHP की वैल्यू 18 mmHg। तो यहाँ पे देखिए कि ये कितना 60 to 70 हो गया, ये माइनस इन दोनों को ऐड करने पर कितना होता है, 50। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया बेटा, इन दोनों को ऐड करने पर हो गया बेटा 50। अगर ये 50 हो गया तो अगर अपन बात करते हैं आगे, देखो कि कितना बचा, ये बेटा 10 to 20 mmHg। ये देखो, एक से कैलकुलेट करके देख लेना बेटा। ठीक है, जो प्रभावी निश्चंदन दाब होता है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है, इसका मान होता है बेटा 10 to 20 mmHg। और इसकी गणना हमने किस प्रकार से की है, ये जो तीनों दाब हमने पढ़े थे, कौन सा, GHP, BCOP और CHP, इन तीनों के को सॉल्व करके, तीनों की गणना करके हमने क्या निकाल लिया, प्रभावी निश्चंदन दाब की मान निकाल लिया। इसका मतलब है कि बोमेन संपुट में जो छनन की प्रक्रिया होती है, निश्चंदन की प्रक्रिया होती है, उसके लिए प्रभावी दाब या नेट प्रभावी दाब कौन सा होता है बेटा, 10 to 20 mmHg। बात समझ आ गया तक की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये गणना कर सकते हैं कि ये जो है हमने किसका, कि परानिश्चंदन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है बेटा। ये कैसी होती है, ये एक दाब से संबंधित प्रक्रिया होती है। कैसी होती है बेटा, दाब से संबंधित प्रक्रिया होती है। इसमें दाब काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके अंदर दाब काम करेंगे बेटा। और दाब कौन से, एक तो GHP जो कि इसकी अपवाही धमनिका के सकड़ेपन के कारण होती है, इसका मान जो होता है वो 60 to 70 mmHg होता है। दूसरा दाब BCOP, रक्त कोलोइडी परासरणी दाब, जो कि किसकी वजह से होता है, ये बेटा रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी, एल्ब्यूमिन के कारण होता है, इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 32 mmHg। और तीसरा जो दाब होता है बेटा, होता है संपुटीय द्रव स्थैतिक दाब, और जो किसकी वजह से होता है, बोमेन संपुट में भरे हुए द्रव की वजह से होता है। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो BCOP और CHP होता है, ये GHP के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसके अपोजिट कार्य करते हैं। ठीक है, और उससे हमने क्या निकाला, उससे हमने निकाला प्रभावी निश्चंदन दाब।
क्या निकालिया, प्रभावी निचंदन दाब निकालिया। कि जब प्रभाव की वह दाब, प्रभावी निचंदन दाब क्या होता है बेटा, कि वह दाब जिससे निचंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी निचंदन दाब। अब बेटा ये तो हो गया कि ये दाब आ गया हमारे पास, दाब तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब कितना क्षणित, कितने क्षणित का निर्माण होता है, ये जो दाब हमने निकाला है इस दाब के कारण प्रति मिनट या प्रतिदिन कितने क्षणित का निर्माण होता है, तो वो इसकी कहलाती है क्या बेटा, केशिका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर मतलब केशिका गुच्छ, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या केशिका गुच्छ निस्यंदन दर, केशिका गुच्छ निस्यंदन दर कि कितना उस जो जो कौन आया था EFP प्रभावी निस्यंदन दाब की वजह से कितने क्षणित की मात्रा छनती है या निस्यंदन के द्वारा कितना क्षणित का निर्माण होता है वो उसके कहलाती है दर। अब ये दर कैसे होगी, दर प्रति मिनट। अगर हम देखें कि GFR की अगर अपन बात करते हैं तो एक मिनट में लगभग 125 ml, बात समझ में बेटा, कि एक मिनट में अगर अपन बात करें कि एक मिनट में 125 ml लीटर ml पर मिनट, एक तो दर ये हो गई कि 125 ml पर मिनट GFR होती है। अगर हम बात करें किसकी, पर डे के हिसाब से निकालते हैं तो बेटा 180 ml पर डे, बात समझ आएगी ना, कि एक मिनट में 125 ml यूरिन का छनित का निर्माण होता है, और इसके हिसाब से अगर अपन पूरे दिन की बात करते हैं तो एक दिन में 180 लीटर छनित का निर्माण होता है। तो अगर हम देखें कितना हो गया बेटा 180 लीटर, अगर 180 लीटर की बात कर रहे हैं तो 180 लीटर की बात करें तो क्या हम 180 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करते हैं, 180 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं? नहीं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें लगभग 99% जो है वो उसको छनित को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। केवल एक प्रतिशत भाग ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो इसका मतलब लगभग एक दिन में हम 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन ही कर पाते हैं। हाँ बेटा, अभी तक हमने देखा परानिस्यंदन के प्रक्रिया को, अब दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है बेटा, सब दूसरी होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण और दूसरी श्रावण। तो अगर हम बात करें किसकी, चयनात्मक पुनर्अवशोषण की, तो चयनात्मक जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। किसको चुनना पड़ेगा बेटा, लाभदायक पदार्थों को। तो अगर हम बात करें किसकी, कि जैसे परानिस्यंदन की प्रक्रिया हुई थी तो परानिस्यंदन की जो प्रक्रिया होती है वो चयनात्मक नहीं होती है, वो चयनात्मक नहीं होती है। कि जब परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है, हमने देखा था कि ये हमारा कौन, ये है अपना बोमेन संपुट, यहाँ पे इसकी आंतरिक जो दीवार होती है, आंतरिक स्तर जो होता है, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, और इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हमने क्या नाम दे दिया था, पोडोसाइट्स। क्या नाम दे दिया था, पोडोसाइट्स। और इन पोडोसाइट्स कोशिकाओं के बीच में क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं परानिस्यंदन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के कहाँ पे आएगा, छनित बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट से ये देखो इसकी जो आंतरिक दीवार से पोडोसाइट पाई जाती हैं, और पोडोसाइट के बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको अपन कहते हैं स्लिट पोर्स। इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, स्लिट पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब बात हम कर रहे हैं किसकी, कि ये जो छिद्र पाए जाते हैं बेटा, जैसे मैंने बताया कि जो परानिस्यंदन की प्रक्रिया होती है वो चयनात्मक नहीं होती है, वो चयनात्मक नहीं होती। तो क्या होता है कि चाहे कैसा भी पदार्थ हो, चाहे वो लाभदायक हो चाहे वो हानिकारक हो, ऐसे पदार्थ
चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक हो, जिनका आकार इन स्लिट रंध्रों के समान या इनसे छोटा होता है, वो सभी नीचे छन करके आ जाते हैं। और नीचे न छन करके कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? रीनल नलिकाओं, मतलब पीसीटी में, पीसीटी यानी मतलब रीनल नलिकाओं में आ जाएंगे। बेटा देखा जाए तो यहाँ पर किसको आना चाहिए? यहाँ पर केवल उत्सर्जित पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को ही आना चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया चयनात्मक नहीं होती है। इसलिए जिन कणों का आकार चाहे वो लाभदायक हो चाहे वो हानिकारक हो, वो सभी छन करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। मतलब जिनको छनना चाहिए था वो भी आ जाते हैं, जिनको नहीं छनना चाहिए था वो भी आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर केवल हानिकारक पदार्थ आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन भी आ जाते हैं बेटा? यहाँ पर लाभदायक पदार्थ भी छन करके आ जाते हैं, जिनका आकार इन स्लिट रंध्रों के समान या इनसे छोटा होता है। तो अब बेटा हम बात करें किसकी? यहाँ से यहाँ पे छनित आ गया, इस छनित में कौन आ गया बेटा? इस छनित में लाभदायक पदार्थ आ गए। अब ये लाभदायक पदार्थ अगर कहाँ पे रहे, ये लाभदायक पदार्थ अगर रीनल नलिकाओं में रहेंगे तो क्या होगा? इनको बेटा मूत्र के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा, जिससे हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाएगी। बात समझ में है ना? तो जो प्रक्रिया है कौन सी? चयनात्मक पुनर्अवशोषण कि ये जो लाभदायक पदार्थ हैं जो छन करके कहाँ पे रीनल नलिकाओं में आ गए, इन रीनल नलिकाओं से इन लाभदायक पदार्थों को निकालकर पुनः रक्त में डालने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं बेटा क्या? चयनात्मक पुनर्अवशोषण। बात समझ आ गई ना? कि चयनात्मक पुनर्अवशोषण वो प्रक्रिया होती है जिसमें रीनल नलिकाओं में से लाभदायक पदार्थों को निकालकर कहाँ पे डाल दिया जाता है? वापस रक्त वाहिनियों में डाल दिया जाता है, जिससे शरीर में उनकी कमी ना हो। क्योंकि बेटा ये जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें केवल किसको बाहर निकाला जा रहा है? हानिकारक पदार्थों को, लाभदायक पदार्थों को नहीं निकाला जा रहा। बात समझ आ गई ना? तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे अगर अपन बात करते हैं कि इनमें कौन कौन छन करके आ सकते हैं, तो जैसे अपने ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, जल और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन वो गलती से छन करके कहाँ पे आ जाते हैं? रीनल नलिकाओं में आ जाते हैं। तो बेटा अब ये जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है या पुनर्अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, वो अगर हम बात करें पीसीटी की, अगर अपन बात करते हैं मतलब निकटस्थ संवलित नलिका की अगर हम बात करते हैं, तो अधिकतर या अधिकांश लगभग सभी पदार्थ जो होते हैं, जो लाभदायक पदार्थ होते हैं, लगभग सभी लाभदायक पदार्थों का पुनर्अवशोषण पीसीटी या निकटस्थ संवलित नलिका में कर लिया जाता है। कहाँ पे हो जाता है बेटा? निकटस्थ संवलित नलिका पीसीटी में कर लिया जाता है। ठीक है, जितने भी लाभदायक पदार्थ छन के आएंगे उनका, क्यों ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये जो पीसीटी होती है उसकी आंतरिक सतह पर कौन सा उत्तक होता है बेटा? ब्रश बॉर्डर उपकला उत्तक। कौन सा होता है? ब्रश बॉर्डर्ड उपकला उत्तक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसकी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है? अवशोषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और लगभग सभी लाभदायक पदार्थों और 70-80% विद्युत अवघट्यों का अवशोषण यहाँ पर कर लिया जाता है। समझ आ गया ना? ये किसकी बात होगी बेटा? ये बात होगी अपनी पीसीटी की। तो पीसीटी के बाद में जो दूसरी बात करती किसकी? ये हेनले का लूप। ये क्या है बेटा? हेनले का लूप। और जैसे कि हमने बताया था, इस हेनले के लूप की दो भुजाएं होती हैं, एक अवरोही भुजा, दूसरी आरोही भुजा। ठीक है, अवरोही भुजा में जो छनित होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और आरोही भुजा में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि डायग्राम बताया हुआ। मतलब यहां से अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ये छनित नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो भुजा होती है अवरोही और ये होती है आरोही। तो अगर हम बात करें कि इनकी गुणों में भी अंतर होता है, इनकी पारगम्यता के गुणों में भी अंतर होता है, तो हमने बताया था कि ये जो कौन अवरोही भुजा की अगर अपन बात करते हैं कि हेनले लूप की जो अवरोही भुजा होती है, हेनले लूप की जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य और विद्युत अपघट्यों जैसे NaCl के लिए अपारगम्य होती है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं किसकी? आरोही भुजा के लिए, तो आरोही भुजा जो होती है वो विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य होती है और जल के लिए अपारगम्य होती है।
बात समझ बेटा, किसकी बात कर रहे हैं अपन? हम बात कर रहे हैं हैंडल लूप की। तो हैंडल लूप जो होता है, हैंडल लूप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा? मुख्य रूप से हैंडल लूप जो होता है वो जल के अवशोषण से संबंधित होता है। इसकी जो अवरोही भुजा होती है, इसकी जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है, यहाँ से जल का निष्कासन हो जाता है, ठीक है। और कौन सी जो आरोही भुजा होती है, ये बेटा जल के लिए कैसे होती है? अपारगम्य होती है। लेकिन किसके लिए? विद्युत अपघट्य के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। तो अगर हम बात करें किसकी, तो अब हमने बात कर ली किसकी बेटा? एक तो बात कर ली हमने पीसीटी की, दूसरी बात कर ली हैनले के लूप की, अब तीसरी बात करते हैं किसकी? दूरस्थ सम्मिलित नलिका की। तो दूरस्थ सम्मिलित नलिका जो होती है, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो होती है ये किसके लिए? ये बेटा कुछ पदार्थ से कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन्स, यहाँ से कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन्स, जल और विद्युत अवघट्य जैसे NaCl, उसका यहाँ से पुनरावशोषण किया जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि पुनरावशोषण किन पदार्थों का हो रहा है, पुनरावशोषण केवल उन पदार्थों का हो रहा है जो लाभदायक है और गलती से छन करके रीनन नलिकाओं में आ गए, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें दूसरी प्रक्रिया, इसकी जो तीसरी प्रक्रिया होती है बेटा वो होती है श्रावण। तीसरी प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? श्रावण। तो श्रावण की अगर अपन बात करें, जैसे कि हमने बताया था कि किसमें छनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो स्लिट रंध्रों का आकार होता है, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं। कुछ पदार्थ कैसे होते हैं बेटा? हानिकारक होते हैं, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण उनका आकार जो होता है वो स्लिट रंध्रों से बड़ा होता है, और उनके बड़े आकार के कारण क्या होता है? उनके बड़े आकार के कारण ये जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो छन नहीं पाते और कहाँ पे रह जाते हैं? रक्त वाहिनी में ही रह जाते हैं, मतलब रक्त केशिका का जो जाल होता है उसी में रह जाते हैं, जो कि नहीं रहने चाहिए। इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, मतलब जिनको छनना चाहिए था वो आकार बड़ा होने के कारण नहीं छन पाते हैं, और जिनको नहीं छनना चाहिए था वो आकार छोटा होने के कारण छन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो परानिश्चंदन की क्रिया के द्वारा, परानिश्चंदन की क्रिया के द्वारा रीनन नलिकाओं में नहीं आते हैं और हानिकारक होते हैं और कहाँ रह जाते हैं? रक्त में। तो रक्त से या रक्त केशिकाओं से इन हानिकारक पदार्थों को अवशोषित करके, रक्त से इन हानिकारक पदार्थों को अवशोषित करके कहाँ पे बेटा, कहाँ पे डालना है? पुनः इसको कहाँ पे डालना है? रीनल नलिकाओं में डालने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं श्रावण। समझा है ना? मतलब पुनरावशोषण और श्रावण एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं। मतलब इसमें पुनरावशोषण में तो क्या करते हैं कि लाभदायक पदार्थों को रीनल नलिकाओं से निकाल करके रक्त केशिकाओं में डालते हैं, जबकि श्रावण में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो कि रक्त वाहिनियों में उपस्थित होते हैं, तो रक्त वाहिनियों से हानिकारक पदार्थों को निकाल करके रीनल नलिकाओं में डाल दिया जाता है, ताकि वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निष्कासित हो सकें। इस प्रक्रिया को बेटा हम कहते हैं क्या? श्रावण। बात समझे ना? तो श्रावण, और श्रावण में क्या हानिकारक पदार्थों को हटाया जाता है? कहाँ से? रक्त वाहिनियों में से। और जो पुनरावशोषण होता है उसमें हटाया जाता है किसको? उसमें बेटा हटाया जाता है हानिकारक पदार्थों को हटाया जाता है रक्त से श्रावण में, और पुनरावशोषण में लाभदायक पदार्थों को हटाया जाता है कहाँ से? रीनल नलिकाओं से। बात समझे ना? तो चयनात्मक पुनरावशोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लाभदायक पदार्थों को रीनल नलिकाओं से अवशोषित करके और रक्त वाहिनियों में डाला जाता है, जबकि श्रावण वो प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थों को रक्त वाहिनियों से अवशोषित करके और रीनल नलिकाओं में डाला जाता है। समझ आ गया? अब अगर अपन बात करते हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं, इनका जो आदान प्रदान होता है, अवशोषण और जो होता है वो कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, तो बेटा चाहे वो पुनरावशोषण हो चाहे वो श्रावण हो, ठीक है, इन दोनों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अवशोषण सक्रिय अभिगमन के द्वारा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होता है। मतलब जो पदार्थ निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं उनमें सक्रिय अभिगमन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जबकि ऐसे पदार्थ जो किसके द्वारा होते हैं बेटा, जो किस तरफ होते हैं, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने वाले होते हैं, उनको निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा अभिगमित किया जाता है, चाहे वो लाभदायक पदार्थ हो चाहे वो हानिकारक पदार्थ हो। ठीक है बेटा, तो ये जो होता है ये बेटा ये अपनी होती है किसकी, उत्सर्जन की क्रियाविधि। ठीक है, तो उत्सर्जन की क्रियाविधि में हमने क्या क्या देख लिया बेटा, उत्सर्जन की क्रियाविधि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक तो उत्सर्जन की क्रियाविधि में क्या, एक तो पहला पद होता है यूरिया का निर्माण, जो हमने पढ़ लिया यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और ऑर्निथिन चक्र की सहायता से होता है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो मूत्र का निर्माण, मूत्र का निर्माण जो होता है वो भी तीन पदों में पूरा होता है, परानिच्छंदन जो कि दाब पर आधारित प्रक्रिया है, चयनात्मक पुनर्अवशोषण, चयनात्मक पुनर्अवशोषण। ठीक है बेटा, और जो तीसरी प्रक्रिया होती है वो श्रावण। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बेटा एक जो हम एक अलग से और प्रक्रिया देख रहे हैं वो यहाँ पे देखिए कि मूत्र सांद्रण की क्रियाविधि, मूत्र सांद्रण की क्रियाविधि कि मूत्र जो होता है बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम बात करते हैं कि जो टोटल अगर हम एक दिन में देखते हैं तो 180 लीटर छनित का निर्माण होता है, जिसमें से 99% भाग जो होता है वो क्या कर लिया जाता है, वापस से पुनर्अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, और जो मानव होता है बेटा वो सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करता है, किसका करता है, सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करेगा। अब जब वो सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करेगा तो उसका मूत्र कैसा होना चाहिए, सांद्रित होना चाहिए। और जो मूत्र सांद्रण की जो क्रियाविधि होती है बेटा उसको अपन कहते हैं प्रतिधारा क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म, मूत्र सांद्रण की प्रतिधारा क्रियाविधि। अब बेटा काउंटर करंट या प्रतिधारा किसे कहते हैं, बात समझ आगे ना, कि बेटा ये जो मूत्र का सांद्रण होता है, ये जो मूत्र का सांद्रण होता है ये बेटा ये परासरणता की वजह से होता है, ऑस्मोलैरिटी की वजह से, किसके होता है, परासरणीयता की वजह से होता है। अब अगर अपन बात करें कि काउंटर करंट क्या होता है, प्रतिधारा क्या होती है बेटा, जब दो द्रव एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, जब दो द्रव एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो उनके मध्य प्रतिधारा उत्पन्न होती है। बात सुनाएंगे ना कि किसकी बात कर रहे हैं अपन, कि जब दो द्रव एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे, मतलब एक ऊपर से नीचे आएगा तो दूसरा नीचे से ऊपर जाएगा, जब दो द्रव एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो प्रतिधारा उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गया ना, और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो स्थिति होती है, ये बेटा कहाँ कहाँ पे होती है ये स्थिति, जैसे अगर अपन बात करते हैं, एक तो है क्या, ये तो अपनी वासारेखता, एक तो है वासारेखता और दूसरा है हेनले का लूप, क्या, हेनले का पाश, हेनले का लूप। बेटा ये जो विपरीत दिशा में द्रव प्रवाहित होने वाली जो मैकेनिज्म होती है वो किन किन के बीच में उत्पन्न हो रही है, ये बेटा ये हो रही है हेनले लूप और वासारेखता के बीच में। देखते हैं अपन कैसे, हेनले लूप और वासारेखता के बीच में, तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि हेनले लूप की कौन सी भुजा बेटा, ये अवरोही भुजा, हेनले लूप की अवरोही भुजा जो होती है उसमें द्रव कहाँ से छनित कहाँ से प्रवाहित हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ऊपर से नीचे की बीच में रहा है, और इसके समानांतर जो वासा रेखता है उसमें रक्त नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, हो रहा है ना, इसमें नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बात समझ ना, कि हेनले लूप में कहाँ से जा रहा है, हेनले लूप की अवरोही भुजा में ऊपर से नीचे जा रहा है, जबकि इसकी समानांतर जो वासारेखता की भुजा है उसमें कैसे जा रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित हो रहे हैं, छनित और रक्त क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। यहाँ तक आ गया बेटा, दिख रहा है वहां पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, हेनले लूप की दोनों भुजाएं, हेनले लूप की दोनों भुजाएं कौन कौन सी, अवरोही भुजा और आरोही भुजा, इनमें इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, कौन, छनित, कैसे, एक में ऊपर से नीचे हो रहा है, दूसरे में नीचे से ऊपर हो रहा है।
ठीक है। चलो यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, कहाँ पे कि हेनले लूप की आरोही भुजा और इसके समानांतर जो वासा रेखा है, उसके समानांतर जो वासा रेखा है उसमें देखो बेटा, उनमें इन दोनों द्रवों की जो दिशा है, प्रवाहित होने की दिशा है, यहाँ से देखिए जो आरोही भुजा है उसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, और इसके समानांतर जो वासा रेखा है उसमें कैसे हो रहा है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ। बात सुनिए ना, कि जैसे मैंने बताया कि प्रतिधारा कब उत्पन्न होती है बेटा, प्रतिधारा उत्पन्न होती है जब दो द्रव एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, जब दो द्रव एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तब क्या उत्पन्न होता है बेटा, तब प्रतिधारा उत्पन्न होती है। समझ में आ गया ना तक का, ठीक है। अब प्रतिधारा उत्पन्न होती है, अब ये बेटा ये जो प्रतिधारा, ये जो प्रवाह होता है ये किसकी वजह से होता है, ये बेटा होता है ऑस्मोलैरिटी, परासरणता की वजह से। किसकी वजह से होता है, परासरणता की वजह से होता है। और ये जो परासरणता होती है, ये जो परासरणता होती है बेटा, ये परासरणता जो होती है देखो, ये जो भाग होता है, ये भाग होता है बेटा वलकुट, ठीक है, और ये भाग होता है मध्यांश, वलकुट और मध्यांश। तो यहां से ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ की जो परासरणता होती है कहां पर, वलकुट से लेकर के और आंतरिक मध्यांश तक, वलकुट से लेकर के और आंतरिक मध्यांश तक की जो क्या परासरणता होती है वो बेटा कहां से परिवर्तित हो रही है, ये 300 मिली ऑस्मोल बेटा, इसकी यूनिट होती है मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल तक परिवर्तित होती है। बात समझ में आ रही बेटा, कहाँ पर इनकी जो परासरणीता होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है, जिसके कारण ये प्रतिधारा उत्पन्न होती है, या प्रतिधारा में जो रक्त, जो द्रव प्रवाहित होते हैं, जो मूत्र का सांद्रण होता है वो बेटा परासरणता की वजह से होता है। और यहाँ पर ये जो परासरणता है वो कैसे बेटा, ये देखो वलकुट भाग में होती है 300 मिली ऑस्मोल, और जैसे जैसे हम मध्यांश में नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे मध्यांश में नीचे की तरफ जाते हैं बेटा, वैसे 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 परासरणता बढ़ती है। और ये परासरणता कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, आधारीय भाग में। ये देखिए यहाँ पर ये जो परासरणता सबसे ज़्यादा होती है, और ये परासरणता यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यों होती है बेटा, कि जैसे बताया था कि यहाँ पर कौन होती है, ये बेटा ये होती है संग्राहक नलिका, और संग्राहक नलिका से कौन निकलती है, यूरिया। बात समझ में आ रही ना, कि संग्राहक नलिका से कुछ मात्रा में यूरिया को भी अवशोषित किया जाता है। शुरुआत में बताया था कि संग्राहक नलिका से कुछ मात्रा में किसको अवशोषित किया जाता है, यूरिया को भी अवशोषण किया जाता है, ताकि परासरणीयता को बनाए रखा जा सकता। तो परासरणीयता को बनाए रखने के लिए कुछ मात्रा किसकी भी अवशोषित की जाती है बेटा, कुछ मात्रा इसमें अवशोषित की जाती है यूरिया की भी, ठीक है। हालांकि ये यूरिया पुनः वापस से कहाँ पर, वासा रेखा में भेज दी जाती है, लेकिन एक बार तो उस मध्यांश में से होके गुजरेगी जिससे परासरणता का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो नीचे जो परासरणता होती है उसमें उस वो सब वो ज़्यादा किसकी वजह से होती है बेटा, यूरिया की वजह से होती है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर अपन बात करें कि जैसे पीसीटी में आए, पीसीटी में छनित आया, तो पीसीटी में जैसे छनित आया तो वहाँ पे क्या हो गया, अवशोषण हो गया किसका, किन पदार्थों का अवशोषण हो गया बेटा, किन पदार्थों का अवशोषण हो गया, जो भी लाभदायक पदार्थ सबका अवशोषण कर लिया गया। तो मतलब यहाँ पे मूत्र कैसा हो गया, कम सांद्रित हो गया, मतलब तनु हो गया, कैसा हो गया बेटा, थोड़ा तनु हो गया, ठीक है। अब जैसे ही वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए जैसे ही कहाँ पे आया, पहले पीसीटी में, पीसीटी में, पीसीटी में कुछ पदार्थों का अवशोषण हो गया तो तनु हो गया, तनु आते ही यहाँ पे आया कहाँ पर, हेनले लूप की किस भुजा में बेटा, हेनले लूप की अवरोही भुजा में आया। तो यहाँ ये किसके लिए पारगम्य होती है, H2O जल के लिए पारगम्य होती है, इसके लिए पारगम्य होगी बेटा, जल के लिए। और इसका मतलब क्या है कि उसमें से उस छनित में से जल का अवशोषण कर लिया गया, और जब जल अवशोषित होता है तो कैसा हो जाता है, वो सांद्र। जब जल का अवशोषण हो गया तो किसका हो, क्या हो गया बेटा, वहां पे सांद्र हो गया, वो अति सांद्रित, कैसा बन गया, अति सांद्रित। अब कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, यहां पे अगर बात करें किसकी, आरोही भुजा में, आरोही भुजा जल के लिए क्या है बेटा, जल के लिए क्या है, अपारगम्य है, लेकिन विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य। इसका मतलब यहां से विद्युत अपघट्य बाहर निकलेंगे, क्या निकलेंगे बेटा, विद्युत अपघट्य बाहर निकलेंगे,
ठीक है। और ये जो विद्युत अवघटे बाहर निकलेंगे जिसकी वजह से वो कम सांद्रित हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कम सांद्रित हो जाएगा। और अगर जैसे आगे जाएगा कहाँ पे, डीसीटी और संग्राहक नलिका में, डीसीटी और संग्राहक नलिका में जाने के बाद में उसमें जल का वह और कुछ पदार्थों का क्या होता है बेटा, उसमें अवशोषण होता है। जल व कुछ पदार्थों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, ठीक है। और डीसीटी और संग्राहक नलिका में जल और कुछ पदार्थों का अवशोषण होने के बाद में ये जो मूत्र होता है कैसा हो जाता है, सांद्रित, कैसा हो जाता है, सांद्रित हो जाता है। और इस मूत्र को, इस मूत्र को जो होता है वो कहाँ पर, इस मूत्र को कहाँ पे, संग्राहक नलिका से, जैसे मैंने बताया था कि बेलनी की नलिका में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, बेलनी की नलिका में। और बेलनी की नलिका से, बेलनी की नलिका से इसको भेजा जाता है कहाँ पर, माइनर कैलिक्स में, लघु कैलिक्स में। लघु कैलिक्स से कौन से बेटा, वृहद कैलिक्स या मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, जो कि इसको गुहा होती है, पेल्विस से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से इसको एकत्रित किया जाता है कहाँ पर, मूत्राशय में, कहाँ पे किया जाता है, मूत्राशय में इसको एकत्रित किया जाता है। और मूत्राशय में एकत्रित करने के बाद में इसको शरीर से बाहर निष्कासन किया जाता है, ठीक है। और मूत्राशय से मूत्र को निष्कासित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं बेटा मूत्रण की प्रक्रिया। कैसी होती है, मूत्रण की प्रक्रिया। और ये जो मूत्रण की प्रक्रिया होती है ये बेटा मिक्चुरेशन इसको अपन कहते हैं, ये बेटा एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जो कि किसकी वजह से होती है, ये बेटा ये जैसे बताया था मैंने कि जो मूत्राशय होता है उसकी दीवार में क्या लगे हुए होते हैं बेटा, इसकी दीवार में खिंचावग्राही होते हैं, और इन खिंचावग्राहियों के खिंचाव के कारण मूत्र त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है, बात समझ में आ गई। और अगर अपन बात करें कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 2 साल के कम जो बच्चे होते हैं, 2 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनमें मूत्रण की जो प्रक्रिया होती है वो बेटा कैसी होती है, अनैच्छिक, वो कैसी होती है, अनैच्छिक। लेकिन जैसे ही वयस्क अवस्था में आते हैं ये प्रक्रिया कैसी हो जाती है, ऐच्छिक हो जाती है, बात समझे ना, ठीक है। तो ये होती है बेटा किसकी, मूत्र सांद्रण की प्रतिधारा क्रियाविधि, समझ में आ गया, जो कि किसकी वजह से होती है, जो होती है बेटा जब दो द्रव एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो क्या होता है, तब क्या होगा, तब होगी बेटा उनके मध्य प्रतिधारा उत्पन्न होगी, और जिससे जिससे क्या होगा, मूत्र का सांद्रण होगा। और ये जो द्रव का प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, ये परासरणता की वजह से होता है। और परासरणता जो होती है वल्कुट से मध्यांश तक 300 मिली ऑस्मोल से लेकर के 1200 मिली ऑस्मोल तक परिवर्तित होती है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जितने भी हैं यहाँ पे, इसको एक बार जो भी है अगर नोट्स में तो ठीक है, वरना जो है इनको एक बार इन डायग्राम्स को अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने कॉपीज के अंदर नोट करो बेटा।